हेलो गाइस, मैं अंकित एंड वेलकम बैक टू द सुपर टॉक। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं D23 एक्सपो में अनाउंस हुई मार्वल की न्यू टीवी सीरीज़ के बारे में, जो हाल ही में केविन फाइगे ने अनाउंस करी हैं। तो ये टीवी सीरीज़ कौन कौन सी है और इस टीवी सीरीज़ में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी हम सब फैन स्पाइडरमैन के एमसीयू से जाने पर शौक थे और सैड थे, पर मार्वल ने इस बात को पीछे छोड़ते हुए D3 एक्सपो पर कुछ धमाके करे हैं। वैसे आज जो पैनल हुआ है वो टीवी सीरीज से रिलेटेड पैनल हुआ था, जहाँ पर उन्होंने केविन फाइगे ने टीवी सीरीज़ की अनाउंसमेंट की है। जो मूवी से रिलेटेड पैनल है वो कल होगा, जिसमें हमें ब्लैक विडो का ट्रेलर और कुछ न्यू मूवीज की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। जो अभी टीवी सीरीज का पैनल हुआ है उसमें 3 टीवी सीरीज को अनाउंस किया गया है, जो है मून नाइट, सी हल्क और मिस मार्वल। ये तीनों टीवी सीरीज ऐसी हैं जिसके बारे में कोई भी मार्वल फैन इतनी बात नहीं कर रहा था, यानी कि इसको लेकर किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये 3 टीवी सीरीज एमसीयू के फेस 4 या एमसीयू के फेस 5 में रिलीज होंगी। इसके अलावा मिस मार्वल टीवी सीरीज और उसके करेक्टर के बारे में केविन फाइगे ने ये बताया है कि पहले इस करेक्टर को हमें इसकी सोलो टीवी सीरीज में दिखाया जाएगा, फिर बाद में इस करेक्टर को एमसीयू की मूवीज में भी दिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि ये बात उन्होंने मून नाइट और सी हल्क से रिलेटेड नहीं कही है, तो कहने का मतलब जो मून नाइट का करेक्टर है और जो सी हल्क का करेक्टर है वो फिलहाल हमें अभी टीवी सीरीज में देखने को मिलेगा, बाद में फिर जाकर कभी हम वो ये करेक्टर हमें एमसीयू के फेस 5 की मूवीज में देखने को मिलेंगे। तो गाइस, अब एक एक करके बात करते हैं इन टीवी सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मून नाइट की टीवी सीरीज के बारे में। तो अब ये एक ऐसी टीवी सीरीज है जिसके बारे में किसी भी मार्वल फैन ने एक्सेप्ट नहीं करा था कि ये टीवी सीरीज एमसीयू में आने वाली है, बिल्कुल पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करा होगा, आपने भी नहीं करा होगा, मैंने भी नहीं करा होगा। वैसे इसको लेकर केविन फाइगे बहुत पहले ये कह चुके थे कि हाँ, हम मून नाइट के कैरेक्टर को एमसीयू में लाने के बारे में सोच रहे हैं, पर हमें सही टाइम की जरूरत है। तो अब वो सही टाइम आ चुका है, जो कि एमसीयू का फेस 5 है। तो अब मून नाइट के कैरेक्टर को कौन प्ले कर सकता है? तो इसको लेकर जो रूसो ब्रदर्स हैं, जो एवेंजर्स एंडगेम के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो कियानू रीव्स को मून नाइट का रोल प्ले करते हुए देखना चाहते हैं। तो अगर आप सोचो अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही एपिक बात होगी। तो वेट करते हैं क्या होता है। वैसे मून नाइट को मार्वल का बैटमैन कहा जाता है, क्योंकि जो मून नाइट का करेक्टर है और जो DC का बैटमैन है उसके करेक्टर में काफ़ी सिमिलरिटी है। तो देखते हैं MCU में इसको किस तरह से दिखाया जाता है। मैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मून नाइट को देखने के लिए। अब बात करते हैं अगली टीवी सीरीज़ की, जो है सी हल्क। तो सी हल्क के बारे में भी किसी ने एक्साइट नहीं करा था कि ये टीवी सीरीज़ आएगी या ये करेक्टर हमें MCU में देखने को मिलेगा। तो जैसा भी हम सब देख रहे हैं कि आयरन मैन MCU से जा चुके हैं, कैप्टन अमेरिका जा चुके हैं, हल्क का एक हाथ डैमेज हो चुका है, थॉर भी अब मोटा हो गया एक तरह से, वो अभी सुपर हीरो की तरह नहीं है। तो जो उनके जो मेंटल हैं वो अदर करेक्टर को मिल रहे हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका का जो मेंटल है वो मिलेगा फैल्कॉन को, जो थॉर का मेंटल है वो मिलेगा जेन फोस्टर को। इसी तरह से ही जो हल्क का मेंटल है अब वो उसकी कज़न को जाने वाला है, जिसका नाम है जेनिफर वॉल्टर। अब एमसीयू में इसको किस तरह से दिखाया जाए कि जो हल्क है, जो प्रोफेसर हल्क आप कह सकते हैं, वो किस तरह से जेनिफर वॉल्टर की बॉडी में अपने DNA को पहुँचाएगा, वो किस तरह से दिखाया जाएगा, उसके बारे में तो कुछ पता नहीं है। पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो सी हल्क की सीरीज है उसमें हमें मार्क रफेलो का हल्क देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, मार्क रफेलो हमें एक और टीवी सीरीज में देखने को मिलेंगे। ठीक, अब बात करते हैं गाइस अगली टीवी सीरीज की, जो है मिस मार्वल। मिस मार्वल टीवी सीरीज हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, ये केविन फाइगे ने कहा है। वैसे मिस मार्वल का जो करेक्टर है वो कमाला खान का करेक्टर है, जो पाकिस्तान की एक लड़की है, वो किस तरह से उसको सुपर पावर मिलती है वो मार्वल कॉमिक्स में दिखाया गया है। एमसीयू में इसको किस तरह से दिखाया जाता है या उसका थोड़ा ओरिजिन चेंज किया जाता है वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वैसे मिस मार्वल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मार्वल में या एमसीयू में न्यू एवेंजर्स की टीम को बिल्डअप किया जा रहा है, तो क्या वो एमसीयू की न्यू एवेंजर्स की टीम है उसमें फिट हो सकती है, वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।